मार्केट में फेजेस आते हैं जैसे मार्केट सबको ज़मीन पर लेकर आता है आई थिंक ये वो वाला फेज़ चल रहा है क्योंकि हर लेवल पर आपको लग रहा है कि अब बॉटम बना अब बॉटम बना और मार्केट उनको स्लाइसिस का ना नाइफ थ्रू बटर वैसे स्लाइस कर देता है देखिए लेकिन एक चीज़ है जैसे कल भी बात हो रही थी सबसे ज़्यादा पैसा ही बॉटम ढूंढने में आपका जाता है बड़ा सवाल यही है मार्केट में आज मेक और ब्रेक डे है क्योंकि लेवल्स उस तरीके से हैं या तो निफ्टी में डबल बॉटम बने या फिर बड़ी करेक्शन आए इवन जब मार्केट में बाउंस बैक आया था और जब पच्चीस दो सौ तक गए थे तो मैंने एक बात कही थी कि एक बार के लिए हो सकता है आप वापस रीटेस्ट करें उस लेवल को ठीक yes. है ना वो एक्चुअली होता क्या है ना लोग वो वाला पार्ट मिस कर देते हैं खैर बात ये हुई थी कि वो एक बार वापस रीटेस्ट हो सकता है अब आज लग रहा है कि वो रीटेस्ट होगा ना सिर्फ रीटेस्ट होगा अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो उसके काफ़ी नीचे हम शुरुआत करेंगे और कल की गिरावट काफ़ी ख़राब थी कल छुपने की जगह नहीं थी मार्केट में आप कल चाहे लार्ज कैप देखें मिड कैप देखें स्मॉल कैप देखें हर तरफ कल आ, 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 सेलिंग थी और कल एफ ने कैश मार्केट में वापस भारी बिकवाली की जो लग रहा था ना कि सेलिंग थोड़ी सी से अब थम गई है एफ की कल वापस सात साढ़े सात हज़ार करोड़ की सेलिंग आ गई और कल हुआ क्या एक चीज़ को समझना जरूरी है कल पूरा सेंटीमेंट नंबर्स ने बिगाड़ा जब भी मार्केट में गिरावट ग्लोबल कारणों से आए या जियो पॉलिटिक्स की वजह से आए उसमें हम इग्नोर कर देते हैं कल वाली जो सेलिंग थी ना वो नंबर्स की वजह से आई है और कल के तीन गुनहगार थे बेसिकली एक तो बजाज ऑटो की कमेंट्री अब पता नहीं बजाज ऑटो सिर्फ अपने लिए बोल रहा था पूरी इंडस्ट्रिकली बोल रहे उसने तो पूरी इंडस्ट्री इंडस्ट्रिकली बोल दिया लेकिन बाकी कंपनियाँ देखते हैं क्या कहती हैं नेस्ले का वॉल्यूम नंबर वो काफ़ी ख़राब था और बची खुची कसरत जो थी वो हैवेल्स के मार्जिन ने आके दोपहर में वो पूरी कर दी तो इसके लिए अब आज के नंबर्स थोड़े बेटर हैं लेकिन हमको रिएक्शन देखना होगा क्योंकि इन्फोसिस के नंबर्स ठीक ठाक हैं लेकिन जिस तरीके से स्टॉक चला ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा था तो उस हिसाब से तो नंबर्स उतने अच्छे नहीं है एडीआर कल एक पर्सन नीचे एडीआर में हालांकि वॉल्यूम कम होते हैं है। लेकिन लो लेवल से रिकवरी आई थी वहाँ पर लेकिन ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि आज दो तीन परसेंट तो नीचे खुलेगा इनफोसिस एक्सेस दूसरी तरफ इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक्सेस में शॉर्ट पोजिशनिंग है काफ़ी ज़्यादा और एक्सेस के नंबर उतने खराब नहीं है इनफैक्ट एक्सेस के नंबर तो मुझे ठीक ठाक ही लगे तो उस हिसाब से एक्सेस आज हो सकता है कि थोड़ा सपोर्ट करे एक्सेस अगर चल जाए तो थोड़ा शायद बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट मिले ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन एक चीज बताऊं मैं इस समय मार्केट में ना इस समय मार्केट में पैसा बचाने का समय है। अगर आप पैसा बचाएंगे तो जब तेजी का बाजार आएगा तभी तो पैसा बनाएंगे तो इसके लिए अभी थोड़ा संभल कर चले जरूरी नहीं है कि मार्केट के हर स्विंग को पकड़ना है हमको आप बिल्कुल ठीक है